श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवत पुराण भगवान से अभिन्न है। और जब जब मनु के वंशजों का वर्णन किया तो हमें ये नहीं समझना चाहिए ये इतना बोरिंग, ये मन मन को नहीं भाता। और जो भगवान की लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, श्री प्रभुपाद जी कई परपोट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों जो जो दुर्गा देवी के अंडर में है, जो 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 भक्त दुर्गा देवी के अंडर में है, महामाया के अंडर में, जो हम बद्ध जीव हैं और महामाया के अंडर में है, दुर्गा देवी के अंडर में, उन्हें अनेक दिनों तक, कृपा जी लिखते हैं पर तात्पर्य में, अनेक दिनों तक सृष्टि लीला का तीव्र वर्णन करना चाहिए। और एक शुद्ध भक्त के लिए सृष्टि लीला और रास लीला में कोई अंतर नहीं। हम सब डायरेक्टली विदग्ध माधव, ललिता माधव, गोपाल चंपू पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारा हार्ट प्यूरिफाइड नहीं है और हम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। तो हमें अवश्य दीर्घ काल तक पुराणों का अध्ययन करना है, स्पेशली जो भागवत में सृष्टि लीला का वर्णन। तो आप यदि रोगी है और डॉक्टर ने आपको परहेज दिया है कि खिचड़ी खाना है कि गुलाब जामुन खाना है, तो आपको पता है कि इस वक्त मैं रोगी हूँ तो खिचड़ी प्रसाद मेरे लिए ज्यादा उपयोगी होगा, और जो निरोगी है उसको हम गुलाब जामुन प्रसाद दे सकते हैं। पर हम सोचते हैं खिचड़ी इतना फीका है और हमें गुलाब जामुन, बट हम एक्सटर्नली ये सोच सकते हैं कि बाहरी दृष्टि से कि हमें गुलाब जामुन में आनंद आ रहा है, बट एक्चुअली हमें गुलाब जामुन में आनंद नहीं आ रहा है और हमारे अनर्थों के कारण हम जरूर भगवान के प्रति अपराध करेंगे। तो हम डायरेक्टली हमें जंप नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक पर्पोट में लिखे हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली एक श्लोक के बाद एक श्लोक प्रथम अध्याय से 10वें अध्याय तक पढ़ेगा, तो ठीक तरीके से कृष्णा उनके हृदय में वास करेगा। और यदि हमने कुछ फोर्थ चैप्टर चैंटो छोड़ दिया, ये तो बोरिंग है, दक्ष के बारे में, सती के बारे में है, और ये सब वंशजों के, मनु महाराज के वंशजों के बारे में बताया गया है, तो हम तो कृष्ण हमारे हृदय में ठीक तरीके से नहीं वास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में कृष्ण वास करें तो भगवान भगवान अखिल रसामृत, भक्ति रसामृत सिंधु के फर्स्ट श्लोक है, अखिल रसामृत सिंधु है, तो सारे रस कृष्ण से ही आए हैं। तो ये जो वीर्य रस है, क्षत्रिय रस है, ये क्षत्रिय रस और प्रजापति प्रोजेनेटर्स, भगवान ही प्रजापति, भगवान का ही ये क्वालिटी है। कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि मैं ही माता हूँ, मैं ही बीज बीज देने वाला माता पिता हूँ, मैं ही सबके माता पिता हूँ, राइट? तो एक्चुअली ये भगवान की ही एक क्वालिटी का हम एक्चुअली अध्ययन कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली कृष्ण का ही अध्ययन कर रहे हैं। हम संसार में जो भी क्वालिटीज देखते हैं वो किसी व्यक्तिगत, व्यक्ति पर्सनल किसी का क्वालिटी, सारे क्वालिटीज भगवान के क्वालिटी है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो गृहस्थ जीवन में भक्त उत्पत्ति के लिए, कृष्णा कॉन्शियस चरित उत्पत्ति के लिए वह है, वो भी कृष्ण का ही क्वालिटी है। कृष्णा कृष्णा अनेक 10 पुत्र द्वारका में एक रानी के साथ, राइट? 10 पुत्र पुत्री उत्पत्ति कृष्ण के हैं, तो शाश्वत रूप में तो भगवान का ही ये क्वालिटी है जो हम मटीरियल वर्ल्ड में देखते हैं। ये एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है, जो 33 कोटि देवता है, 33 कैटेगरीज ऑफ डेमी गॉड्स हैं, ये हम हमारा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्पेशली एक बुक है, लघु भागवतामृत बाई रूप गोस्वामी द्वारा एक बुक है उसमें, और बृहद भागवत, और एक इस्कॉन सेलम भक्ति विकास महाराज का टीम, उन्होंने एक गोलों का चार्ट बनाया, एक गोलों का चार्ट भानु स्वामी ने बनाया और नया गोलों का चार्ट है बड़ा वाला, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ वैकुंठ प्लैनेट्स का वर्णन है वहां पे भगवान के 33 रूप है, अग्नि रूप है और इंद्र रूप है, वरुण रूप है, और ये जो भगवान का रूप है ये 94% विष्णु तत्व है, दे आर नॉट डेमी गॉड्स, ये देवतागण नहीं है। तो भगवान भगवान इन रूपों में, जितने रूप आप भौतिक जगत में देखते हो इनका शाश्वत एक रूप भी है, जो जितने भी आपने रूप देखा भौतिक जगत में उनका एक शाश्वत स्वरूप भी है, और वो अपने निज धाम वैकुंठ गोलोक में, अपने निज धाम, जैसे आप एक चप्पल देखते हो
यहाँ पे एक शूज देखते हो आप, दुकान में वैरायटी ऑफ शूज देखते हो, पर आप देखते हैं कि वैकुंठ प्लैनेट्स में भी बहुत अनेक प्रकार के शूज पहनते हैं, और गोलोक और उनके नाम भी वर्णन है, राधा कृष्ण गण देश दीपिका में रूप गोस्वामी कृष्ण के परिकर के नाम भी वर्णन करते हैं, तो कृष्ण के बांसुरी के नाम, चप्पलों शूज पादुका के नाम भी वर्णन है। तो जितने भी आप रूप संसार में देख रहे हैं, तो आप यहाँ इस दोनों श्लोक में अग्निदेव का वर्णन है, तो भगवान का एक रूप है अग्निदेव, जो विष्णु जी का विष्णु तत्व है, और जो शाश्वत रूप से वैकुंठ प्लैनेट में निवास करते हैं, और उनके एक प्रतिनिधि है जो अग्नि देवता है। तो ये अग्नि देव है, ये भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है। हाँ राइट। तो श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक का वर्णन है, अत्र सर्गो विसर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण उथाय मन मंत्र ईशानुकत निरोध मुक्ति आश्रय। राइट right? तो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम एंड मन मंत्र, जितने मनु मनु महाराज के जो जो राज्य में जो लीलाएं हुई हैं, जो एक्टिविटीज हुए, उसके कारण ये संसार चल रहा है, और हम सबको पता होना चाहिए कि हम कौन से वंश में हैं। और तो इस जानकारी के लिए श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया। आप यदि देखते हैं कि आप यवन के बारे में सुनते हैं, और आप अभी मॉडर्न टाइम्स में जो जो है ना अरेबिक कंट्रीज है और मुस्लिम कंट्रीज है, उनके बारे में सुनते हैं, पर हमें हम ये ट्रेस नहीं कर पाते, पर आप ठीक से महाभारत पढ़ा जाए, और लोगों ने उन्हें निकाला भी है, तो महाभारत के समय में भी, और उन्होंने दुर्योधन को भी हेल्प किया था, तो वो इस प्रकार के वृत्तियां हमेशा थी, और उन्होंने दुर्योधन को भी महाभारत में हेल्प किया था, तो इसका ट्रेस महाभारत में भी है। पहले समय चक्रवर्ती सम्राट पूरे एक ही सम्राट पूरे पृथ्वी में एक ही चक्रवर्ती, और जब हम पृथ्वी बोलते हैं तो हम खाली भारत वर्ष नहीं बोल रहे हैं, और भी 8 वर्ष है पृथ्वी लोक में, और भी 8 वर्ष है, दैट इंक्लूड्स पृथ्वी लोक, जो हम संकल्प में बोलते हैं ना जम्बी द्वीप, और इन द साउथ डायरेक्शन में हमारा भारत वर्ष है, और भी दो परीक्षित महाराज ने और प्रियावर्त महाराज ने पूरा पृथ्वी का राज्य किया, तो जब जब पूरा पृथ्वी का राज्य किया तो नॉट इंक्लूड्स द 7 कॉन्टिनेंट्स, बट पूरे पृथ्वी का राज्य से पूरे 9.9 वर्षों का राज्य किया उन्होंने। तो ये हमें ठीक से जानकारी होना चाहिए, और जब हम हमारा पोजीशन जैसे एक मैप है, और मैप में हमारा पोजीशन नहीं जानेंगे तो आप मैप को कैसे यूज करेंगे बाहर जाने के लिए। तो फर्स्ट जीपीएस में क्या है, आपका लोकेशन जानना है कि आप कहाँ पर हो, आपकी क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या साधना करना है लक्ष्य तक जाने की। जब आप जानेंगे ही नहीं कि आप किस स्थिति पे हो, तो ये श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्थिति के बारे में बता रहा है। तो मन मंत्र में छे एक मनु महाराज के राज्य में ब्रह्मा जी के एक दिन कैसे गिनते हैं हम, तो कलयुग है 4,32,000, 4,32,000 का डबल है द्वापर युग और त्रेता युग, उसका ट्रिपल और 4 टाइम है सतयुग। राइट, ये चतुर्युग होता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग एंड कलयुग मिलकर होता है एक चतुर्युग, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होता है, और 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, 14 मनु होते हैं एक दिन में, और श्रीमद् भागवतम में सारे मनु मनुओं का वर्णन है, और पुराणों में मनु का वर्णन है। तो एक मनु महाराज के राज्य में मनु महाराज, मनु के पुत्र देवता और इंद्र और सप्तऋषि और भगवान के अवतार, छे 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 कैटेगरी है एक मनु महाराज के राज्य। कौन से मनु महाराज, कौन मनु महाराज होंगे, और कौन उनके मनु महाराज के पुत्र के नाम, मनु महाराज के नाम और इंद्र के नाम और सप्तऋषि के नाम और भगवान के अवतार के नाम। राइट right? तो ये तो स्वयंभू मनु फर्स्ट मनु है स्वयं ब्रह्मा जी के इस कल्प में,
ब्रह्मा जी के इस कल्प में स्पेशल पार्ट क्या है कि भगवान वराह देव ने दो दो बार भगवान वराह देव ने अवतार लिया। एक बार जब पृथ्वी देवी पानी के अंदर चली गई थी, पाताल लोक में चले गए थे, गर्भोदक्ष ओशन में। ये यूनिवर्स में आधा पार्ट भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से जो जल निकलता है वो गर्भोदक्ष ओशन है, और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को और हम जब देखते हैं पृथ्वी गोल है ऐसे ग्लोब, और जब हम ऑफिस में ग्लोब रखते हैं पृथ्वी एग्जैक्टली ग्लोब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा और बहुत बड़ा डिबेट है फ्लैट है ग्लोब। तो पृथ्वी देवी को नीचे गर्भोदक्ष ओशन में डालने का कोशिश किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने वराह अवतार लिया। और एक बार वराह अवतार लिया जब हिरण जब सृष्टि के समय जब पृथ्वी सृष्टि के समय जब जब गर्भोदक्ष ओशन में चला गया था तब, और जब भी हिरण्याक्ष ने, तो दो बार इस ब्रह्मा जी का इस डे का वेरी स्पेशलिटी है। और हम संकल्प में भी बोलते हैं, राइट? तो सिक्स्थ चक्षुषा मनमंत्र है, और वो सिक्स्थ मनमंत्र है, राइट? दैट इज द हाफ ऑफ द 14 मनमंत्र में हाफ मनमंत्र है, और इस मनमंत्र में द्वापर युग और त्रेता युग अदली बदली हो जाती है। एक्चुअली द्वापर युग पहले आना चाहिए और त्रेता युग बाद में आना चाहिए, बट भगवान कृष्ण के अवतार के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के लिए द्वापर युग थर्ड हो जाता है इस मन मंत्र में। तो इस मन मंत्र में मनु मनु के पुत्र है, और जो जो मनमंत्र अब इस समय चल रहा है, राइट, वो चक्षुषा मनमंत्र है, और जो मनमंत्र के हम चर्चा कर रहे हैं दैट इज द फर्स्ट मनमंत्र। दैट फर्स्ट मंत्र है स्वयंभू मनु का मनमंत्र है, जो स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से उत्पत्त हुए स्वयं। तो अभी हमारा सिक्स्थ मनमंत्र चल रहा है, और फर्स्ट 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 मनमंत्र में जो फोर्थ कैंटो श्रीमद भागवतम में है उसमें फोर्थ फोर्थ मनमंत्र का वर्णन, फोर्थ फर्स्ट फर्स्ट मनमंत्र का, आई एम सॉरी, फर्स्ट मनमंत्र का वर्णन है, और अभी सिक्स मनमंत्र चल रहा है। तो फर्स्ट मनमंत्र में स्वयंभू मनु हुए, मनु और उनके पुत्र हुए उत्तानापाद और प्रियावत, और जो तू तु, तु, तुषिताश जो नामक है, इंद्र का नाम है, और मरीचि सप्तऋषि हुए, और भगवान यज्ञ रूप में। तो और एक जगह में वर्णन है कि यज्ञ भगवान ही इंद्र, एक अनेक दूसरे जगह में वर्णन है कि जो यज्ञ भगवान जो जिन्होंने दक्षिणा के साथ विवाह किया, तो वे ही इंद्र इंद्र के रूप में, अन्यत्र इसका भी ऐसा वर्णन है, ठीक है? तो इस फोर्थ चैप्टर के बिगिनिंग में मनु महाराज के पुत्र और पुत्री का वर्णन है, मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानापाद और प्रियावर्त, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम सब बहुत सरल तरीके से याद भी रखना चाहिए, क्योंकि हम सब पूरे संसार इनके इनके वंशज है। तो हमें ये हम कोई जो डार्विन थ्योरी है कि हम मंकी से उत्पत्ति हुए या किस प्रकार से, जो जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है, क्रिश्चियन हिस्ट्री 2000 ईयर्स का है खाली, और बट एक इस्कॉन के डिवोटी है, दो दो डिवोटी है प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक बुक लिखा है हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, और वो 1980s में द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल बुक का प्राइज में मिला है, एंड बहुत सारा वीडियोस है उसके ऊपर, द हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। एंड उन्होंने दिखाया है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास में ये दर्शाने के लिए कि ये जो वैदिक काल काल पूरे पूरे विश्व में, और जो हम अमेरिका समझते हैं रशिया समझते हैं, उन उनमें भी वैदिक काल के एविडेंस पाए गए हैं, और 2000 ईयर्स से पहले भी कार्बन डेटिंग के एविडेंस पाए गए हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें थोड़ा भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम किन किन के वंशज हैं। हम मनुष्य हैं, और हम मनु महाराज के वंशज हैं, और हम तो कभी बोलने की मौका मिले तो हमें अवश्य बोलना चाहिए कि हम उत्तानापाद और प्रियावर्त
प्रियव्रत और कर्दम मुनि से किस प्रकार से हम आए। अवश्य हमें फोर्थ फोर्थ कैंटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत अच्छी तरीके से फोर्थ कैंटो के अध्ययन करना चाहिए। हमने 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 43 नंबर श्लोक श्लोक में हमने देवहूति के देव जो मनु महाराज की पुत्री है देवहूति, उन्होंने कर्दम मुनि से विवाह किया और उनके जो पुत्रियां हुई 9 पुत्रियां हुई और उन 9 पुत्रियों ने किन 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 ऋषियों से विवाह किया और उनके कितने संतान हुए, हमने ये आप सभी ने पहले ही चर्चा किया है, राइट। एंड उसके बाद हमने अत्रि ऋषि का चर्चा किया और अत्रि ऋषि की चर्चा करने के बाद में हमने दत्तात्रेय जी का चर्चा किया था और दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषि ने घोर तपस्या किया और उन्होंने भगवान को बुलाया। तो अत्रि ऋषि ने उस प्रकार से तपस्या किया जिस प्रकार से गजेंद्र ने तपस्या किया। जब भी गजेंद्र गजेंद्र भगवान को पुकार रहा था तो पार्वती देवी ने शिव जी को बोला कि अरे ईश्वर को पुकार रहा, आपको ईश्वर है, बट शिव जी ने बोला कि मेरे भी एक ईश्वर है और वो स्वयं आएंगे। भगवान ने गजेंद्र के लिए आए। तो जब हम भगवान को जेंड्रिक ईश्वर या जगदीश्वर बुलाते हैं तो डायरेक्टली कृष्णा नहीं, कृष्णा ने इंटरेस्ट लेते हैं, बट कृष्ण के अनेक अनेक रूप है वैकुंठ प्लैनेट में, वे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जो रागानुगा जो मन से ब्रज ब्रज अनुकूल कृष्णानुशीलनम, राइट। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बोलते हैं कि हमें स्वजाति होना चाहिए, हमें अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, जो जैसे रूपानुगा है और हम प्रभुपाद अनुगा है तो हम प्रभुपाद जी के अनुगा हम फॉलो करेंगे तो हम डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करेंगे, नहीं तो हम भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो तीनों परमात्मा जो कारण दक्ष है विष्णु, शिरो दक्ष है विष्णु, गर्भो दक्ष है विष्णु को भी रिफर कर सकता है। और तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली कृष्णा 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 बट यहाँ यहाँ पे अत्रि ऋषि ने जगदीश्वर 4.20 में जगदीश्वर शब्द शब्द का प्रयोग किया। तो जगदीश्वर शब्द का प्रयोग किया तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया, राइट। तो हमें डायरेक्टली कृष्णा शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि समय बहुत कम है और यदि हम किसी और फॉर्म मन शिक्षा बाय रघुनाथ दास गोस्वामी, वहां पे वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु के रूप रूप के भी ऊपर ध्यान नहीं करना, हमें हमें समय नहीं ज्यादा व्यर्थ करना चाहिए भगवान विष्णु के रूप पे ध्यान करने के लिए, कि अंतिम समय में यदि भगवान विष्णु का ध्यान हो जाए तो हम, और जो जो लोग ऐश्वर्य भाव से राधा कृष्ण के वर्शिप करते हैं वे ऐश्वर्य गोलोक की प्राप्ति होती है। तो हमें बहुत ध्यान ध्यान से कि अत्रि ऋषि ने जगदीश्वर को बुलाया और गजेंद्र ने भी ईश्वर को बुलाया, बट हमें हमें साक्षात कृष्ण को पुकारना चाहिए और भाव से जो जिस भाव से हमें गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा मिलती है माधुर्य भाव से, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। और जो दक्ष 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 प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ, उनके 16 16 पुत्रियां हुई हैं, 13 पुत्रियां धर्म को दिए और अग्निदेव को दिए और पितर्स को दिए, तो पितर्स से और एक एक पुत्री शिवजी को दिए है, सती सती जो है वो शिवजी के साथ विवाह हुआ है। तो सती के साथ कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई और पितरीस के साथ स्वधा, जब हम तर्पण करते हैं तो हम बोलते हैं तेभ्य स्वदाह नमः, तो हम हमारे पूर्वजों को पितर पितर देव को आर्यमान है जो पितर देव है उनको हम स्वधा अर्पण करते हैं। और जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो हम आहुति तो आहुति में हम अग्नि में क्या देते हैं, स्वाहा, स्वाहा इज अ स्वाहा जो है अग्निदेव की वाइफ है, राइट। तो हम पुरुष और जो 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 पुरुष फॉर्म है उनको हम उन उन उनके शक्ति फॉर्म अर्पण करते हैं, राइट। तो हम इसीलिए राधा रानी के साथ
राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण की सेवा एज असिस्टेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी, एज असिस्टेंट ऑफ गुरु महाराज, हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जिस प्रकार हम अग्निदेव को स्वाहा रूप में अर्पण करते हैं, और पितर को स्वधा, राइट, जो जो सात तर्पण के मंत्र है, हर हर ब्राह्मण गायत्री मंत्र करने के साथ दिन में 3 बार तर्पण करते हैं, और तर्पण में स्वधा से, इस शब्द से हम तर्पण करते हैं, और हम 5 देवर्षि, भूताप, निणाम, पितृणाम, इन पांचों को देव और ऋषि मुनि, हम ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, और सप्त ऋषियों के, और शास्त्रों दिए उन्होंने, और कोई हमको कोई किसी ने हेल्प किया, हम रोड में जा रहे हैं, बोलेंगे कि ये मॉल किधर है, बोलेंगे राइट साइड में मॉल है, तो हमको किसी अच्छे व्यक्ति ने भी हमको हेल्प किया, और हम जो धन प्राप्त करते हैं हमारे पिताजी के द्वारा, तो हम इनके इन सब सबके ऋणी है, और हमें अवश्य ही उनके प्रति तर्पण अर्पण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के 11th कैंटो में लिखा है कि जो भगवान मुकुंद मुक्ति है, मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चरों में कि मुक्ति भगवान मुकुंद के पॉकेट, तो हम मुकुंद की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हमें एक्सटर्नली और कोई तर्पण या पंच यज्ञ जो गृहस्थ जीवन में करना चाहिए उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, राइट। तो 48 नंबर और 50 नंबर श्लोक इस 4th कैंटो में ने बताया है कि धर्म धर्म जो प्रसूति की पुत्री से शादी, जो 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 उनका विवाह हुआ है धर्म के साथ, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक एक वर्ड एक एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, और उसमें है हिरी हिरी हिरी, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसमें है हिरी 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 इज लज्जा, यू नो हिरी इज लज्जा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं जब पूर्व में पढ़ रहा था, तो ही जो प्रसूति की पुत्री है, उन्होंने उत्पत्ति किया पराश्रय पराश्रय, राइट, और जो मूर्ति है उनसे नर नारायण ऋषि, जो मूर्ति है उनसे उनसे नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये जो धर्म हमेशा ये 13 अच्छे क्वालिटी आपके अंदर, हमारे अंदर धर्म की उत्पत्ति होगी, तो ये जब होगी, जब ये 13 क्वालिटीज को हम हमारे अंदर डेवलप करेंगे, और जब हम हमारे अंदर धर्म को साक्षात भगवत प्रणीतम सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, जब हम भगवान के भक्ति कर रहे हैं, तो ये 13 क्वालिटी श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, भी एंड मूर्ति, ये सारे क्वालिटीज हमारे अंदर में होने से ही धर्म हमारे साथ में रहेगा, और ये क्वालिटी होने से हमें रिजल्ट भी मिलेगा। जो 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 13 पुत्र उत्पत्ति हुए हैं वो हमें रिजल्ट भी मिलेगा, तो हमें वेरी केयरफुली विश्व एक भक्ति वैभव कोर्स कर रहे हैं हम लोग मंदिर में, तो किसी भक्त ने पूछा कि हमें ये क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए, अवश्य इन गुणों को डेवलप, जो 26 क्वालिटी ऑफ वैष्णवस है, हमें अवश्य अवश्य इस क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और हमारे अंदर में जो क्वालिटीज की कमी है, हम यदि किसी को दया नहीं करते, राइट, निर्मत्सारा नाम सताम, हम एनवियस हो जाते, ईर्ष्या करते हैं, तो हमें अवश्य अवश्य, देर इज वेरी गुड लेक्चर बाय राधानाथ महाराज ऑफ 6 अनर्थस, राधानाथ इस्कॉन डिजायट्री में जाएंगे, तो बहुत हमें अवश्य इन क्वालिटीज को अवश्य अवश्य डेवलप करने के लिए हमारे जीवन में प्रयत्न करना चाहिए इन इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। ओके, देर आर मेनी बुक्स जो अनर्थ निवृत्ति के लिए है, मन शिक्षा है, माधुर्य कादंबनी है, हमारे गौड़ वैष्णव संप्रदाय ने बहुत एक्सटेंसिवली चैतन्य शिक्षाष्टकम, भक्ति विनोद ठाकुर के कॉमेंट्री है 66 चैतन्य शिक्षाष्टकम, उनमें उन्होंने वृंदावन के डीमंस को, हमारे अनर्थ वृंदावन के जो वृंदावन में जो कृष्ण को वध करने के लिए राक्षस गण आए हैं, एक एक राक्षस एक एक अनर्थ का प्रतिनिधि है,
और हमें अवश्य टाइम निकाल के ना इन अनर्थस के बारे में पढ़ना चाहिए। इन अनर्थस जब ही हमारे हृदय से कम होगा और जब हमारे हृदय में सद्गुण डेवलप होगा, तो एक ऐसे कहते कि लक्ष्मी देवी वहां वास करती हैं जहाँ पे स्वच्छता रहते हैं और गोबर। लक्ष्मी देवी का वास का दो स्थान है, गोबर, गोबर में स्थान है गोवर, राइट, और स्वच्छता। तो मोदी जी ने अभी स्वच्छता, जो आज आज इंडिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने इंडिया को क्लीन एक्सटर्नली, राइट, या पुंडरीकाक्ष भाव्य अंतर सूची। तो जहां पे स्वच्छता होगा वहां पे लक्ष्मी देवी का वास होगा। तो इसी प्रकार जहां पे इन क्वालिटीज होंगे वहीं कृष्ण 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 उन भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि फोर्थ कैंटो है, इसके पुत्र ये हो गए, इसके पुत्र वो हो गए और फटाफट फटाफट पेज टर्न करेंगे। नहीं, अवश्य इन क्वालिटीज को लिख कर और इन क्वालिटीज के हर एक वर्ड का मीनिंग जानकर। चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि हर एक शब्द का नाना अर्थ हो, एक एक शब्द का अनेक अनेक अर्थ होता है, राइट। तो हमें अवश्य ही ये क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो देर इज 49 कैटेगरीज ऑफ अग्निदेव। तो थोड़ा अग्निदेव, ये दोनों श्लोक में अग्निदेव के बारे में वर्णन है, थोड़ा अग्निदेव के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो अग्नि शब्द है, जो अग्नि शब्द मीन्स टू इल्यूमिनेट, जो ज्योत देना, जो प्रकाश देना, और जो लाइट है असतो मार माम जो ज्योतिर्गमय मृत्यु माम अमृतम गमय, राइट। तो ज्योति है वो ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शल। हम अपने इस चर्म चक्षु से कैसे भगवान को देख समझ सकते हैं, बट जब ही सदगुरुदेव भगवान, जो गुरु गुरु महाराज कृष्ण कृष्णा और प्रभुपाद जी की अहित की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम ज्ञान के चक्षु से विमूढ़ानानुपश्य 15 चैप्टर गीता, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, हम ज्ञान के चक्षु से हम समझ सकते हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्योति तनु भ, राइट, तनु भगवान के बॉडी से जो लाइट निकलते हैं उसी से सूर्य और अग्निदेव की जो अग्निदेव की पावर है वो भगवान के शरीर से निकली हुई जो लाइट, जो बाहा, जो बाहा मीन्स प्रकाश, राइट, भारत, जो पूरे विश्व को प्रकाश लाइट नॉलेज देता है, भारत शब्द है, राइट। तो हमें भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए और इंडिया शब्द का नहीं। इस्कॉन ने भी कोशिश किया है कि भारत, अभी इस्कॉन के मीटिंग्स में भी भारत शब्द का प्रयोग हो रहा है, इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो भारत शब्द यूज करना चाहिए। तो ये जो अग्नि अग्नि शब्द से हमें ज्ञान की प्रतीक है कि अग्निदेव है वो हम वो हमें ज्ञान ज्ञान देते हैं, राइट। और ऋग्वेद यजुर्वेद में अनेक 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 वर्णन है और बहुत सारे कर्मकांड के शास्त्र, हमारे शास्त्रों में कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, ज्यादातर शास्त्र में मैक्सिमम ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज कर्मकांड। जैसे फर्स्ट 6 चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कर्म मिश्रित भक्ति एंड लास्ट 6 चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो कर्मकांड और ज्ञानकांड भगवद गीता में भी दिया हुआ है और बीच के जो 7 to 12 है वो उपासना कांड है, राइट। तो वेदों का सार है भगवद गीता। तो कर्म, तो किस तरह हम संसार में रहकर हम ये 5 एलिमेंट्स को, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु को ईथर को कैसे हम यूज करके हम जैसे हम गंगा की सेवा गंगा के पानी से करते हैं, तो भगवान की सेवा हम भगवान के एलिमेंट से करें। हम अभी पंच महाभूत के अंदर में हैं, हम इनसे मुक्त नहीं है, तो इन्हीं का प्रयोग करना है। जो हम आरती करते हैं, हम धूप अर्पण करते हैं और दीप अर्पण करते हैं, तो हम क्या 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 कह रहे हैं भगवान के, भगवान से कि न इदम मम, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु आपका है, ये प्रभु आपका। तो यही विधि जब भी सृष्टि का उत्पत्ति की है, तो भगवान ने ये विधि 4th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं कि हम भगवान ने विधि दिए मनुष्य को कि मनुष्य इस विधियों के द्वारा द्वारा इस संसार में संतुलन बना के रह सकता है और इस संसार से मुक्त भी हो सकता है और भगवान के शुद्ध भक्त भी बन सकता है। तो ये विधि है इन पंच महाभूत को यूज करना। तो उनमें से एक है अग्नि, राइट। तो अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अग्नि को हम यज्ञ के रूप में, त्रेता युग के युग धर्म है। तो दो दो प्रकार के अग्नि हैं, एक देवताओं को देते हैं और एक पितर को। पितर को जब हम देते हैं तो हम पशु पशु को भी अर्पण करते हैं अग्नि में। तो अग्नि इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माउथ। और पुरुष सूक्त में क्या लिखा है,
ब्राह्मण और अग्नि है वो भगवान के मुख है, और ब्राह्मण को खिलाने से और अग्नि को खिलाने से भगवान को साक्षात हम खिला रहे हैं, राइट, भक्तों को खिलाने से। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पितृपक्ष के समय भक्तों को साधु भोजन कराते, तो अवश्य करना चाहिए हमें भक्तों को जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है। नहीं तो हम श्रील प्रभुपाद जी को घर पे फोटो में हम, या गुरु महाराज जी को हम पितृपक्ष के समय हम जरूर जरूर अर्पण करना चाहिए हमें, राइट। तो बट ये जो पशु अर्पण करते हैं, जात वेद और क्रव यादव, जात वेद और क्रव यादव, जो क्रव याद है जिसमें पशु अर्पण करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं कि एक्चुअली ये टेस्ट है कि जब भी हम पशु अर्पण करेंगे तो नया पशु उनको नया जीवन मिलेगा, और राइट। बट आजकल हम देखते हैं कि लोग यज्ञ के नाम से पशु का भक्षण कर रहे हैं, तो सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर, भगवान बुद्ध ने गया में जन्म लिया, और ये जो वेदों को नकार दिया, क्योंकि लोग वेदों का गलत उपयोग कर रहे थे और अग्नि में गलत तरीके से पशु को अर्पण करके भक्षण कर रहे थे, खुद स्वयं खा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए भगवान ने भगवान बुद्ध रूप में आए। एंड और उपनिषदों में भी काफी वर्णन है अग्निदेव के बारे में। और ब्राह्मण ने आरण्य, देर इज फोर कैटेगरीज ऑफ शास्त्र। ब्राह्मण है जो सोसाइटी में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे यज्ञ करना चाहिए और कैसे समाज में रहना चाहिए, और आरण्य जब हम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, वानप्रस्थी और सन्यास के लिए यह है आरण्य शास्त्र, जो हम जंगल में रहकर किस प्रकार से हम भगवान को पा सकते हैं। और जो ब्राह्मण ने जो जो आरण्य शास्त्र है वो वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए है, और जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए ब्राह्मण शास्त्र है, जो ब्राह्मण शास्त्र में बहुत अच्छे से विधि बताई गई है किस प्रकार से हम अग्नि को यूज करके 24 ऋत्विक्स, 24 पंडितों को यूज करके, और जो हमारे षट दर्शन है, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, मीमांसा इज द एंटायर फिलोसॉफी ऑफ रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, किस तरह हम रिचुअल कर्मकांड करके, कर्मकांड के पूरे सिद्धांत मीमांसा शास्त्र है, दर्शन जो जो, जो मीमांसा दर्शन है, और उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है, बहुत डिटेल में वर्णन है किस प्रकार से हम, तो हम शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो योग पीठ है, जो जो सेंटर ऑफ द यज्ञ है, सेंटर ऑफ द यज्ञ है, उसमें योग पीठ है, और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में क्लिम बीज मंत्र यूज करते हैं, और उसमें स्टार बना के योग पीठ जो गोलोक वृंदावन को आहुति देते हैं हम, और वैष्णव अग्नि जो हम इस्कॉन में हम जो अग्नि यूज, मतलब जो इन जिन अग्नि की आह्वान कर रहे हैं हम, वैष्णव हम क्वालिफाइड नहीं है और दूसरे अग्नि आज के दिन में उनकी आह्वान करने के लिए, तो हम केवल वैष्णवों को आह्वान करते हैं, वैष्णव अग्नि आह्वान करते हैं, और हम इस भाव से कि प्रभुपाद जी कृष्ण को या गुरु महाराज कृष्ण को अर्पण करेंगे, तो वैष्णव अग्नि को हम सेंटर में कृष्ण और राधा कृष्ण को आह्वान करते हुए उस अग्नि में, और जो चार कलश रहता है साइड में वो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, और जो वासुदेव कलश रहता है उनमें हम नरसिम्ह देव को या राधा कृष्ण को हम आह्वान करते हैं उसमें, तो इस प्रकार से हम आह्वान करते हैं, राइट। और बहुत सारे पुराणों में भी अग्निदेव का बहुत वर्णन है, और जो दिक्पाल है, जो हमारे आप यदि वास्तु शास्त्र देखेंगे तो, और आप सब नरसिम्ह कवचम भी पढ़ते हैं, तो नरसिम्ह कवचम में भी अग्निदेव का वर्णन है कि तो जो जितने डायरेक्शंस हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होता है, किचन कहाँ होना चाहिए, जनरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और वहां पे अग्नि का स्थान है, और हम नरसिम्ह कवचम में नरसिम्ह देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप हमें रक्षा करें भगवान, और नारायण कवच में भी हम प्रार्थना करें, सिक्स खंड भागवत में नारायण कवच में दशो दिशाओं के लिए, तो एक दिक्पाल है अग्निदेव और वे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल है, राइट। और देर आर बहुत सारे स्टोरीज है अग्निदेव के, तो हमें फेमस स्टोरी रामायण में पता है कि अग्नि सीता देवी को, अग्निदेव श्री राम जी ने सीता देवी को अग्नि, जो जो मूल सीता है, जो ओरिजिनल सीता है, उन्हें अग्निदेव को अर्पण किया,
और माया और अग्निदेव ने एक माया सीता दिया जिसको रावण ने किडनैप किया, जिसको रावण ने हर हर लिया। तो रावण ओरिजिनल सीता को टच भी नहीं कर सकता है। तो कुछ समय के लिए भगवान ने सीता देवी को अग्निदेव को अर्पण किया, और बाद में लक्ष्मण के द्वारा फिर से मूल सीता की मूल सीता प्रकट हो गई, राइट। और एक एक बार एक से श्वेतकी नाम का राजा था, और वो यज्ञ अनेक समय तक यज्ञ कर रहा था, अनेक समय तक यज्ञ कर रहा था, तो उसके राज्य भवन में पूरा धुआं हो गया और सब ब्राह्मण चले गए और उसे हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। तो वो जंगल में गया और जंगल में अनेक समय तक यज्ञ किया और अनेक समय तक यज्ञ किया, और फिर अग्निदेव को अपाचन हो गया, राइट। अग्निदेव को अपाचन हो गया। ये ऐसे महाभारत के आदि पर्व में भी लिखा है। और एक उदाहरण है महाभारत में कि इंद्र के एक सर्प फ्रेंड है, इंद्र के एक सर्प मित्र है, उसका नाम है तक्ष तक्षक। एक्चुअली सारे सर्पों के पास विंग्स पंख थे, पर सारे और सारे पहाड़ों के पास भी पंख थे, पर इंद्र ने सारे तक्ष सारे सर्प के पंख और पहाड़ों के पंख काट लिए, पर एक एक तक्षक नामक ने उनका शरण लिया, तो इंद्र के साथ मित्रता हो गई और वो खांडेर वन में जहाँ जहाँ पे इंद्रप्रस्थ बना है वहां पे शरण लिया। तो वहां पे बहुत सारे राक्षसों ने शरण लिया और देवतागण चाहते थे कि वो उस खांडेर वन को नष्ट किया जाए, पर इंद्र बार बार जब भी अग्निदेव खांडेर वन को जलाने के प्रयत्न करते थे तभी क्या इंद्र इंद्र क्योंकि उनके फ्रेंड को बचाने के लिए वर्षा कर देते थे। तो फिर इसके कारण अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रुकिए, जब नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन के रूप में आएंगे तभी आपका आपका काम होगा। तो जब भी कृष्ण और अर्जुन आए तभी उन्होंने इंद्रप्रस्थ का स्थापना किया, तो भगवान को सुदर्शन चक्र दिया और अर्जुन को उन्होंने गांडीव जो जो गा, जो गांडीव है वो इंद्रदेव ने दिया है, और अर्जुन को रथ भी दिया है, जो रथ है जो 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 अत श्वेते रहे युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव, जो जो अर्जुन का रथ है वो रथ भी ये है। और एक जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तभी सहदेव सहदेव को साउथ का डायरेक्शन दिया, पूरे साउथ को जीत लेना है। तो उस समय नील नाम का राजा था, और नील नाम का राजा को जब भी सहदेव ने आक्रमण किया तभी अग्नि प्रकट हो गई। तो फिर वहां वर्णन है कि एक्चुअली नील नाम की राजा की पुत्री के साथ अग्निदेव का प्रेम हो गया था, तो अग्निदेव ने उनका उनका रक्षा किया, बट बाद में सहदेव ने अग्निदेव को प्रार्थना किया और फिर अग्निदेव ने राष्ट्रीय यज्ञ में सहदेव को हेल्प किया। तो शिबी महाराज एक समय इंद्र और शिबी महाराज एक 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 समय एक समय इंद्र एक समय एक समय शिबी महाराज को इंद्र और अग्निदेव ने आके पक्षी रूप में टेस्ट किया। शिबी महाराज यज्ञ कर रहे थे और बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने शिबी महाराज ने अपने अंग अपने शरीर के अंग को काट कर दान किया। तो फिर इंद्र और अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो गए शिबी महाराज के ऊपर। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को एक बताते हैं कि जब भी गौतम ऋषि के वाइफ के साथ अहिल्या के साथ संग किया तभी इंद्र इंद्र को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने कि आपको गोट बकरी का लिंग आपका आपका लिंग बकरी का लिंग हो जाए और फिर आपका आपका लिंग नष्ट हो जाए। फिर अग्निदेव ने इंद्र को एक बकरी का लिंग रख दिया। तो और भृगु 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 मुनि जी ने भी अग्निदेव को श्राप दिया था, राइट। तो भृगु मुनि जी ने अग्निदेव को बोला था कि मेरी वाइफ की रक्षा करना, बट एक राक्षस ने उनकी वाइफ को किडनैप कर दिया और उनसे चवन ऋषि उत्पत्ति हुई। तो भृगु मुनि जो भृगु मुनि इज वेरी फेमस फॉर भृगु जो ज्योतिष शास्त्र है उन्होंने दिया है। तो भृगु मुनि ने अग्निदेव को श्राप दे दिया, राइट।
और फिर है ना, अग्निदेव छुप छुप रहे थे, तो फिर फ्रॉग और पक्षियां और एलिफेंट, इन लोगों ने देवताओं को हेल्प किया कि अग्निदेव यहाँ छुपे हुए। तो इंद्र ने फ्रॉग और पक्षियों को और एलिफेंट को श्राप दिया अग्निदेव ने, कि तुमने मेरा लोक तु, तुमने मुझे रिवील किया, आपने मेरे स्थान के बारे में बताया। तो एलिफेंट और बर्ड्स और एलिफेंट फ्रॉग और बर्ड्स को अग्निदेव ने श्राप दिया। तो इस प्रकार अनेक अग्निदेव की लीलाओं का वर्णन है पुराणों में। पर आप ये समझ सकते हैं कि यज्ञ ही संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेधसा, कृष्णा वर्णम पिशा कृष्णम सांगो पांगा सपार्श्वतम, यज्ञ ही संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेधसा। तो आप बोलेंगे कि जो अग्नि है और उसमें अनेक प्रकार के लोह फ्लेम्स हैं, तो क्या हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो क्या उसमें भी अनेक प्रकार के फ्लेम्स हैं? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में बताया है कि हरिनाम संकीर्तन में भी 7 प्रकार के फ्लेम्स हैं, 7 प्रकार के लोह हैं, राइट? तो 7 प्रकार के लोह है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यज्ञ संकीर्तनई प्रायः यजंती सुमेधसा। तो सुमेधसा बुद्धिमान व्यक्ति, आप देखेंगे बहुत सारे इस्कॉन के टेंपल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आईआईटी बैकग्राउंड से हैं। तो कलयुग में सारे बुद्धिमान व्यक्ति, आप जहां भी देखो अभी सारे बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति इस्कॉन में आके भक्त बन गए हैं। तो क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। भगवान कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम, जो चैतन्य महाप्रभु जी हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, पर अकृष्ण, उनका कलर कृष्ण जैसा नहीं है। सांगो पांगा, वो अद्वैता आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास पंडित, राइट, और श्रीनिवास आचार्य रावतम दास ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इन सारे अंगों और सांगो और अंग के साथ चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं। और उन्होंने क्या, यज्ञ ही संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ किया। तो यज्ञ में 7 जो लोह है, फर्स्ट लोह है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की दर्पण, फर्स्ट लोह इज चित्त की दर्पण की मार्जन मार्जनम होना, और भव महादावाग्नि निर्वापनम, राइट। जो ये दावाग्नि है ये अनेक जन्मों से, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरण, अनेक 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 जन्मों से हमें इस संसार में रस रूप गंध स्पर्श शब्द, हमारे चेतना इस ग्रॉस लेवल पे अटकी हुई है। तो इस ग्रॉस लेवल को ये जो भगवान के नाम है ये तुरंत ही अग्नि तो प्रज्वलित करता है, बट भगवान के नाम है गुरु जी की करुणा घना घना तो, राइट। श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि छोटे से केमिकल होंगे होगा, तो केमिकल को क्या करेंगे आप, एक टैंक वाटर टैंक को आप साफ कर सकते हैं, आप कुछ बर्तनों को साफ कर सकते हैं, बट आप पूरे नदी को साफ कर सकते हैं थोड़े केमिकल, कितने केमिकल डालेंगे? इतने नदी मिट्टी के कारण, फोम फोम के कारण और मल सब डस्ट डस्ट के कारण पूरे नदी सागर बहुत काला हो जाता है, और आप कितने केमिकल डालोगे? बट यदि घना घना, जब भी बारिश होगा, जब भी वर्षा ऋतु होगी, तो सारे नदी स्वच्छ हो जाते हैं। इसी प्रकार हम ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ये सब अष्टांग योग, ये सब तरीके से आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, थोड़े थोड़ा प्यूरिफिकेशन, वो भी हाती के स्नान के तरह, शिक्षण भागवतम में लिखा है हाथी के स्नान के तरह है। बट केचित केवलया भक्त्या वासुदेव पराय, राइट। जैसे सूर्य उदय होता है तो सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, राइट, जब जब भी गुरुदेव की कृपा होती है, प्योर डिवोटीज भगवान भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु जी गुरु, तो ये जो अनर्पितम चरिम, ये जो वर्षा होती है, तो ये वर्षा के कारण अनेक अनेक पूरे हरे कृष्ण देखते हैं कि पापी तापी जटा शिव हरि नाम उधारी लो। तो ये हमें बहुत, हमारे जीवन में मर्सी बहुत प्रयास से साधना में निर्जन भजन वृंदावन जाके 64 नहीं हो पाएगा, तो हमें बहुत कृपा की जरूरत है। ये कृपा रूपी वर्षा से ये दावाग्नि नष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद जी अनेक प्रपोर्ट में लिखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज,
श्रेय कैरव चंद्रिका, राइट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम दिन भर मेहनत करते हैं तो हम धूप के कारण हम हमें बहुत गर्मी लगती है और हम बहुत थक जाते हैं, तो शाम को हम वट वृक्ष के नीचे और मून लाइट या चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरण में हम बैठते हैं तो हमें शीतलता की अनुभूति होती है। तो ये भगवान का नाम है जो आश्रय, भगवान ही आश्रय, कृष्ण ही आश्रय तत्व। इतना मेहनत करे चर्च गेट से विरार, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यूएस में भी देखे कि 2 बजे उठ के लोग गाड़ी चलाते हैं, इतना मेहनत करते हैं बट कोई संतुष्ट नहीं। बट हम भगवान के नाम, भगवान का आश्रय लेंगे तो हमें कैरव चंद्रिका, हमें बहुत शीतलता, जैसे एक गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प के ऊपर चंद्रमा की लाइट आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी लाइट आती है। विद्यावधु जीवनम, और इट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल दी नॉलेज, राइट। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व, सारे नॉलेज भगवान के नाम में। हम सच्चिदानंद रूप है भगवान के नाम, हम ठीक से नाम ध्यान रूपी जप करेंगे तो हमें सारे शास्त्रों के नॉलेज का प्राप्त हो। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, व्हाई पीपल आर डूइंग कर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख के रखिए आप कर्म क्यों कर रहे हैं, कि अभी आप संतुष्ट नहीं है और अभी मैं ऐसे कुछ काम करूंगा जिससे संतुष्ट हो जाऊंगा। अब मैं 30 साल नौकरी करूंगा तो रिटायर में मैं गोवा में घर लेके रिटायर एंजॉय करूं, गोवा में रिट्रीट करूंगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 30 साल है वो आपके सारे एंजॉयमेंट के प्लान्स को फेल कर देगा, बट भगवान के नाम आनंदाम, अब जो आनंद आप रिटायर होने के बाद में पाना चाहते हैं गोवा में जाके या किधर एंजॉय करना चाहते हैं, वो आनंद आपको इसी क्षण भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनने, प्रतिपदम पूर्णामृत, आप ऑलवेज हमेशा आपको वृद्धि होगी, आनंद की कभी कमी नहीं होगी। एवरी स्टेप प्रतिपदम एंड नथिंग कैन सेटिस्फाई यू। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में, एक्चुअली सबको है ना भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कोर्स करना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस द पर्पस ऑफ प्रभुपाद जी ने इतना एनालॉजी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऑयल इज इनकम्पेटेबल विद वाटर, जैसे तेल है वो पानी के साथ कभी नहीं जमता, तेल हमेशा ऊपर रहता, जीव कभी भी इस संसार में, इस संसार में कभी भी कभी भी कभी भी आप कितना भी प्रयास करो आप इस संसार में संतुष्टि से मिलकर रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते इस संसार में। तो ये जो फर्स्ट श्लोक ऑफ चैतन्य शिष्टाष्टकम है, ये 7 अग्नि है, ये 7 अग्नि हरे कृष्ण मंत्र आप रोज सुबह जप, चैतन्य मंगल में भी लिखा है कि जीव की कड़ची से, जो स्पून है जीव की कड़ची से कानों में के होल में हम डाल रहे हैं नाम रूपी घी को, राइट। एंड दैट अग्नि, ये जो संकीर्तन यज्ञ हो रहा है जैसे कान में जाएगा आपके हृदय में जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो ये 7 अग्नि आपके जीवन में प्रज्वलित होगी। और साधना भक्ति का सबसे पहले भक्ति संहिता में क्या लिखा है, क्लेशाग्नि और शुभदा, यदि यू आर इन ट्रबल, यदि यू आर इन ट्रबल एंड आपके जीवन में शुभ नहीं हो रहा है, भगवान के चरणों में 19 सिंबल है, एक सिंबल राइट स्वस्तिक पे शुभ है, राइट। जैसे भगवान आपके हृदय में एंटर करेगा आपके क्लेशाग्नि होगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, तुरंत ही आप जप करोगे हरे कृष्णा मंत्र, आपके जीवन में ये तो 7 अग्नि आपके जीवन में अवश्य आना चाहिए। ये 7 जो अग्नि हैं, चेतो दर्पण मार्जनम से लेके सर्वात्म सपनम परम विजय थे, संकीर्तन शुड विन ओवर योर प्रारब्ध कर्म, आप एक बार बार नहीं रो सकते। कितने लोग आते हैं कृष्ण माता जी के पास भी आते हैं, हमारे मंदिर में काउंसलिंग में आते, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मेरा लाइफ में, ये प्रॉब्लम, बिकॉज योर प्रारब्ध कर्म इज विनिंग परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, विजय नहीं हो रहा है आपके जीवन में इसीलिए प्रॉब्लम है। एज सुन एज यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र आपका जीवन में क्लेशाग्नि होना ही है और शुभदा आना ही, साधना भक्ति का ये रिजल्ट है कि क्लेशाग्नि और शुभदा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ना लास्ट एक आई विल एंड दिस क्लास बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हर्ड यस्टरडे, कि हम डिस्कस कर रहे थे भक्ति वैभव कोर्स में कि वैकुंठ में लक्ष्मी देवी है, वो भगवान की वहां वैकुंठ प्लेनेट में वो सोनी सेवा, वहां वहां वो झाड़ू मारती है, पर वैकुंठ में डस्ट है, वैकुंठ में तो कोई डस्ट ही नहीं है, तो भी लक्ष्मी देवी वहां झाड़ू मारती है इस भाव से कि भगवान की कृपा, भगवान देखेंगे कि वे मीनियल सेवा, छोटी सेवा कर रही है, तो लक्ष्मी देवी जो साक्षात भगवान के चेस्ट में माधव, तो
लक्ष्मी देवी जो भगवान के चेस्ट में है वो भी भगवान की कृपा अपेक्षा के लिए सेवा करती है, और हमारे इस्कॉन में सेवा इतना दिया गया है हम करने के लिए तैयार ही नहीं, तो कैसे कृपा? सेवा करने से कृपा तो बरस रही है, कृपा घना घना तो कृपा तो बरस रही है, पर हम कृपा लेने के तैयार नहीं। कृपा कृपा कब मिलेगा? जब हम सेवा करेंगे। लक्ष्मी देवी तो इतना प्रयास कर रही है कि उसको उनको सेवा क्रिएट करना पड़ रहा है। वैकुंठ में तो कोई लक्ष्मी देवी के लिए सेवा नहीं, उनको सेवा क्रिएट करना पड़ रहा है, और यहाँ हमारे पास इतना सेवा है और इतना कृपा का चांस है और हम ले नहीं रहे, और फिर हम बोलते मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया। अरे थोड़ा भी कृपा हो जाए। एक प्रभुपाद जी का शिष्य है पृथु प्रभु जी, और वो प्राय अपने लेक्चर में बोलते हैं कि एक बार हरिनाम संकीर्तन चल रहा था और एक आदमी था, उन्होंने वेव किया ऐसे, हाथ हिलाया भक्तों को देखकर, और फिर थोड़े दिन बाद वो मर गया। तो वो वैकुंठ वो यमराज के पास गया, और यमराज ने चित्रकेतु को बोला कि इसका पूरे लिस्ट निकालो कि कितना पाप किया कितना पुण्य किया। तो बोले अरे इसने तो एक अच्छा काम किया है कि जब संकीर्तन हो रहा था तब इसने हाथ से वेव किया, हाथ दिखाया भक्तों को। तो यमराज ने पूछा क्यों हाथ दिखाया तुमने भक्तों को? सोचा अरे हाथ दिखाना तो कोई बड़ी बात हो गई। तो बोले मैं भी संकीर्तन में भाग लेना चाहता था। अच्छा ऐसा है? तो बोले ठीक है तुम्हें फिर से जन्म दे, फिर से मैं तुमको शरीर दे देता, जाओ। और पितु प्रभु जी बोलते हैं कि वो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए और उसी जीवन में उन्होंने भगवान को प्राप्ति किया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आपको थोड़ा करने, स्वल्पमपि धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। अब तो आपको कभी पशु योनि नहीं मिलने वाला है, परंतु इतने से संतुष्ट नहीं रहना है। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अट्रैक्ट द मर्सी, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए बहुत सुनहरा मौका है, एंड जरूर आपको सेवा करनी चाहिए। राइट, आपके जीवन में ये सात अग्नि होनी चाहिए। राइट, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।